छावनी में कचरा नहीं उठेगा क्योंकि हड़ताल पर सफाई कर्मी गए हैं। वहीं क्षेत्र में लगे कूड़े के ढेर से दुर्गंध आ रही है। सफाई कर्मी से आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद बघेल नामक व्यक्ति ने अभद्रता की थी, बोले थे जाति सूचक शब्द। तो वहीं रंगदारी न देने पर रो रो नौकरी खाने की धमकी भी दी थी। तो वहीं वीडियो भी बनाने लगे थे। तहरीर के आधार पर विनोद बघेल नामक व्यक्ति को पुलिस ने मुकदमे में नामजद किया है। तो वहीं सफाई कर्मचारी आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। सफाई कर्मचारी ने तरह तरह के आरोप दे रहे हैं। वहीं आरोप यह भी बताया कि वह धमकी दे रहा था कर्मचारियों में रोष, गिरफ्तारी होने तक वह कार्य नहीं करेंगे। वहीं हड़ताल पर जाने से दिन में कचरा नहीं उठा, जगह जगह कचरे का ढेर लग गया है, जनता परेशान हो रही है, कूड़ा उठाने को छावनी कार्यालय में घनघराने लगे फोन। तो वहीं सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आए आठों निवर्तन मेंबर आरोपी और कठोर कार्यवाही की मांग की है। छावनी परिषद वर्कर्स यूनियन ने कर्मचारियों के मान सम्मान को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। जी क्या समस्या क्या है? समस्या जैसा जी रोजाना आज दिन जो है वार्ड में हम लोग काम करवाते हैं कर्मचारी साथ में, तो ये विनोद बघेल जी जो आके वहाँ पर प्रश्न करते हैं, सुपरवाइजर से वो भी बदतमीजी बोलते हैं और कर्मचारियों के साथ में बदतमीजी वाली भाषा बोली जाती है। अच्छा, और जो जिस समाज की वो है उसमें सर भंगी मेहतर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और गंदे नाले कीड़े बताया जा रहा है इनको, जबकि ये इन लोगों को स्थानीय निवासियों के साथ में सफाई की व्यवस्था पूरी पूरी बराबर बना रहे हैं सर जी इनके लिए, और इनको सफाई में डाला जा रहा है फिर भी जैसे इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं और बोलते हैं पर मेरे घर की सफाई क्यों नहीं की जा रही है और ये दूसरी जगह पर कहानी क्यों बनवाई जा रही है। आपकी मांग क्या है? मांग से जी है सर, हम चाहते हैं सर विनोद बघेल के सर के खिलाफ एक्शन लिया जाए कर और उसके साथ खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगे का कदम क्या होगा आपका? आगे का कदम सर जी पर हम हड़ताल को और आगे बढ़ाएंगे सर जी और लखनऊ अपना अधिकारियों शिकायत कर दी आपने? जी सर जी। रिपोर्ट दर्ज कराई है? रिपोर्ट दर्ज कराई सर जी हमने। कहाँ पे कराई? सर थाने में कराई है सर, और सीओ साहब से मुलाकात की हमने। तो मुकदमा लिखवाया आपने? जी सर जी। अच्छा। ये कॉपी सर जी उसकी। अच्छा जी। क्या हुआ आपके साथ? सर ये हुआ कि मेरे कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे रोड पे मंदिर के सामने, उनसे कहने लगे मेरा चौक झाड़ो। मेरे कर्मचारी ने की कि सर हम जैसे चौक जैसे काम हम करते आते वैसे ही काम करेंगे, पहले मंदिर झाड़ लें, मंदिर के आसपास का करके फिर तुम्हारा चौक झाड़ लेंगे। अरे के हम वो क्या बोलते हैं टैक्स, हम टैक्स देते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले टैक्स नहीं देते, हम टैक्स देते हैं, पहले हमारा झाड़ा जाएगा। ये उन्होंने कहा बघेल ने, विनोद बघेल, टैक्स हम देते हैं पहले हमारा झड़ेगा। लेबर ने की जैसे हम रोज काम करते हैं मंदिर वगैरह झाड़ के रोड झाड़ के जब तुम्हारा वैसी चौक झाड़ेंगे, तो लेबर ने कहा तुम्हारा सुपरवाइजर कहाँ है? क्या हमारा सुपरवाइजर उधर है, बुलाओ उसे उधर। तो बुलाने के लिए लड़के ने जैसे झाला दिया मैं उठ के आने लगा तो वो खुद मेरे पास आ गए, तो रोड के पल्ली तरफ ले गए मेरे को, मुझसे कहने लगे मुझसे मैंने तुमसे पहले भी कही थी बंटी कि मेरा लिफाफा कहाँ है, और फिर कह रहा हूँ मेरे लिफाफे का क्या हुआ। तो मैंने उनसे कहा लिफाफा मांगना कैंटमेंट बोर्ड सामने हमारे इंस्पेक्टर बैठे उनसे मांगिए, अधिकारी बैठे उनसे मांगिए, ठेकेदार है उनसे मांगिए, हम कौन होते लिफाफा देने वाले? किस चीज का लिफाफा? पैसों का। तो वहां से बड़बड़ाते हुए वहां से निकले, साले भंगियो मैं देखता हूँ तुम्हें, मैं नौकरी कराता हूँ, गंदी नाली हो कीड़े मैं देखता हूँ तुम्हें, इतनी कहते हुए वहां से निकल गए। और जो जिन्होंने सुनी थी वो जेले जेले हमारे सामने कहते हुए जा रहे थे पूरी लेवल नहीं चलेगी करने के लिए। आप क्या कहते हैं? सो हमको भी पता चला दो दिन पहले थोड़ा इश्यूज बिटवीन सफाई कर्मचारीज एंड एक पब्लिक, सो पब्लिक इंडिसेंट बिहेवियर किया वो सफाई कर्मचारीज के साथ, वो सफाई कर्मचारीज ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेंट भी दिया, सो कल वो सफाई कर्मचारीज और यूनियन भी मिला मेरा साथ, सो फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड साइड वी अश्योर ऑल सपोर्ट टू आर वर्कर्स हु आर एक्चुअली इंश्योरिंग द क्लीनलीनेस ऑफ द कैंटोनमेंट, सो वी स्टैंड बाई द सफाई कर्मचारीज एंड वी विल ऑल्सो टेक अप द मैटर डायरेक्टली विद द पोलिस अथॉरिटीज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक हु बिहेव in an indecent manner and who create hurdles from doing any work by the public servant. Sir, जातिवादी शब्द जातिवाचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और शिकायत करना तो आपने कहा था ये आज से ही नहीं पहले भी हमारे साथ इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग हमेशा करते चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, कल वो सफाई कर्मचारी सेम इशू रेज किया जी। सो कल मेरा नॉलेज पे आया ये वाला,
So next time say I will ensure that such incident won't happen. If any incident happens, we will take strict action against the public who is preventing a public servant from doing the job. So कंटोनमेंट बोर्ड से हम सफाई कर्मचारी इसको क्या क्या सपोर्ट चाहिए हम बिल्कुल देंगे। ठीक है।